नेक्स्ट देखिए आप कॉलम कहना क्या है, occurs in many layer below the epidermis in most of the lipotuberous gland. जो epidermis है वो epidermis के बहुत सारे layer के बीच में रहते हैं जो आपका parenchyma, and it is found either as a homogeneous layer or patches. ऐसे homogeneous layer और patches रहता है, ठीक है. अब parenchyma जो cells में है वो भी spherical और polygonal होते हैं. सेल ऑफन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस. इंटरस्पेसिफिक सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. यहां पर देखिए कि ये जो एक दूसरे जो जो एक दूसरे के साथ पूरा अटैच हुए हैं, ये तीनों सेल पूरा अटैच हुए हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं है उनके बीच में, ठीक है. और क्या है, ये जो एंगल है सेल वॉल की, ये जो एंगल है उनमें क्या होता है, ठीक है, नहीं होता. ये देखिए ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ठीक है, नहीं होता रहता है कॉर्नर में, ठीक है. तो पोलेनकाइमा में क्या होता है, पोलेनकाइमा की सेल की कॉर्नर में ठीक है, नहीं होता रहता है, ठीक है. ओकर देन इट इज फाउंड आइदर होमोजेनस लेयर और पैचेस, ठीक है. पोलेनकाइमा सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है पोलेनकाइमा सेल में. एंड फंक्शन क्या क्या है, they provide mechanical support to the growing parts of the plant such as young stem, then petiole of the leaf. Leaf का जो petiole होता है, याद है या नहीं है, petiole कौन सा है leaf का, ये है आपका एक लीफ, और पिटियोल कौन सा है, ये. तो पिटियोल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो पिटियोल है वो क्या करती है, लीफ को होल्ड करके रखती है स्टेम में. वाइन जब आती है तब इस लीफ को हमेशा, वाइन आती है नहीं आती है, हमेशा लीफ को होल्ड करके रखती है. तो लीफ को होल्ड करने के लिए कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए उस पिटियोल में. तो वो जो स्ट्रेंथ आती है पिटियोल में वो किसकी आती है, क्योंकि उनमें क्या रहता है, पोलेनकाइमा सेल्स रहते हैं. क्या रहते हैं, पोलेनकाइमा सेल्स, इसलिए पिटियोल क्या कर पाती है, पिटियोल आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाती है, यंग स्टेम एंड लीफ में रहती है, ठीक है, यंग स्टेम में भी रहते हैं. पोलेनकाइमा में ये जो थिकेन कॉर्नर होते हैं ना, जैसे कि एक सेल है, क्या है, ये एक सेल, ठीक है, और सेल की जो ये कॉर्नर में थिकनिंग होता है, ये थिकनिंग क्यों होता है, क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है. थिकनिंग होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ क्या, तीन चीजें, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन. डिपोजिशन ऑफ व्हाट, एक है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड नंबर थ्री इज पेक्टिन, ठीक है. सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन. तो सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, इन तीनों चीजों की डिपोजिशन के कारण ये जो कॉर्नर है वो थिकन होते हैं, ठीक है.